जिला स्तरीय और खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। सर्वप्रथम स्वागत गान गाकर बच्चों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए, फिर हाई जंप, कैरम बोर्ड, शतरंज, नृत्य कला, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, दौड़ रेस का जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट बच्चों के बीच रहा, काफी रोमांचक खेल रहा। बच्चों के द्वारा रंगोली का कार्यक्रम, पेंटिंग आदि बच्चों के द्वारा किए गए। इस मौके पर व्याख्याता नवेद खान, रश्मि कुमारी और सैकड़ों शिक्षक भी उपस्थित रहे। अभी बच्चे लोग तरंग जो कार्यक्रम के तहत अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से ये तस्वीर बना रही है। किसका तस्वीर बना रही हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। क्या इसका क्या मायने है? इसका मायने मतलब कहीं कहीं जगह होता है जैसे बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, लिखाया नहीं जाता, उसका मतलब जैसे कोई कोई बेटी होती है ना तो उसको घर का काम करवाते हैं और पढ़ाने स्कूल नहीं भेजते हैं। इससे बेटियों को बढ़ावा मिलेगा। हाँ। क्या नाम है? साक्षी कुमारी। किस स्कूल से आई है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहली। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अपना अपना कर्तव्य दिखा रही है। क्या नाम है? निशा कुमारी। किस स्कूल से आई है? कन्या मध्य विद्यालय की दौर। क्या चीज बना रही हो? एक औरत है जो महादेव का पूजा कर रही है। क्या इसका मायने क्या है, लोग क्या समझेंगे इसे? इसको एक भक्त समझेंगे। भक्त समझेंगे? भक्त है। ये महादेव का भक्त। हाँ। तो देख सकते हैं कि कई तरह का कार्यक्रम कर रहा है। मैं इस बच्चे से बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या बना रहे हो बाबू? घर बना रहे हो? क्या नाम हुआ तुम्हारा? अंकित कुमार। किस स्कूल से आयो? मध्य विद्यालय रतनपुर। किस चीज का घर बना रहे हो? रहने वाला। क्या इसका क्या मायने है? घर से तुम क्या लोगों को शिक्षा देना चाहते हो? पढ़ाई लिखाई। क्या बना रहे हो तुम? स्कूल। स्कूल बना रहे हो? क्या नाम है तुम? प्रिंस कुमार। किस कौन सा स्कूल बना रहे हो? तो आप देख सकते हैं कई तरह के लोग अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता कुमारी। क्या बना रही हो? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। क्या क्या चीज बनाएगी इसमें? इसमें कुछ नहीं सर, हो गया, सिर्फ कलर करेंगे। ये क्या है? पेड़ है। ये और ये क्या है? पृथ्वी है। दोनों क्या आती है समानता? जैसे अगर जल है तो हम लोग है, जल का होना आवश्यक है, जल और वायु का होना आवश्यक है। किस स्कूल से आई है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय खड़ा हुआ। क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये तरंग कला और खेल उत्सव राज्य सरकार आयोजित कर रही है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से। तो उसके तहत हर जिला में वहाँ के जो डाइट है ना उसके लैब स्कूल होते हैं, तो लैब स्कूल 10 लैब स्कूल आसपास के मध्य विद्यालयों से बच्चे विभिन्न कला एवं खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं वहाँ से चुन करके वो आए हैं यहाँ पर, और फिर वो आपस में कम्पीट करके 10 विद्यालय के बच्चे यहाँ से राज्य स्तर में भेजे गए। ये कितने की योजना है? लगभग लागत कितने की है? 4 लाख के आसपास। यहाँ व्यवस्था के नाम पे आपूर्ति देखी जा रही है ना, तो पीने की पानी पीने की व्यवस्था सामने आ रहा है ना, लोगों कह रहे हैं बैठने की व्यवस्था है। नहीं, सब समुचित व्यवस्था है, सारे तरफ लोग बिखरे हुए हैं, सारे बच्चे जो हैं वहाँ उधर चल रहा है, हॉल में व्यवस्था देखिए आप जाकर के, उधर उस तरफ स्पोर्ट्स चल रहा है, उधर बैडमिंटन का खेल चल रहा है, उस तरफ आपके कबड्डी और खो खो और उसकी योजना चल रही है, बहुत सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अधिकांश चीज़ें खेल के सामान खरीदने में, उसके आयोजन में, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सारे अधिकांश खर्चे उसमें हैं। कई शिक्षिका कैमरा पर आने से पहले बोल रही है कि इस तरह का मैनेजमेंट बिल्कुल कुछ भी उन लोगों को बेहतर नहीं लग रहा है। देखिए, हम भी खेल शिक्षक नहीं हैं, लेकिन और ये फंक्शनल डाइट नहीं है। हम देखिए सिटी समस्तीपुर का लोगो लगा हुए, हम सिटी समस्तीपुर से न यहाँ के का इलाका हमको परिचित है, न यहाँ के लोग हमको परिचय है। हम लोग इस तरीके से बहुत कम समय में हम लोग सारा व्यवस्था करके आपस में, आर्यन जी का सहयोग है ये, आपस में करके आपका सहयोग है ये, आप लोगों के सहयोग से हम लोग इतना व्यवस्था कर पाए हैं इतने कम समय में। तो हमको लगता है कि हम लोग उस व्यवस्था में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमियां आप भी महसूस कर रहे हैं? नहीं, कमियां तो देखिए उस तरीके से हम इंटरनेशनल स्तर के तो है नहीं, अगर राज्य सरकार खेल के लोगों को यहाँ भेज देती, हम लोग कैसे कैसे शिक्षक को व्यवस्था की। हम लोग 5 आदमी यहाँ हैं, 5 आदमी हैं और 24 तरह का प्रोग्राम है।
अब आप सोच लीजिए कि 5 आदमी 24 तरह के 12 कला के क्षेत्र में प्रोग्राम है और 12 खेल के क्षेत्र में प्रोग्राम है, तो ये इतने 5 आदमी 24 किस्म के चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। हम लोग अपने जितना सक्षम है हम उतना बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। कल तक चलेगी ये खेल? ये कल तक चलेगा। मेरा नाम है डॉक्टर रविंद्र कुमार, मैं यहाँ डिप्टेशन पर हूँ, सिटी समस्तीपुर मेरा ओरिजिनल पोस्टिंग है। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम हो रहा है सर? देखिए दिनांक 13 और 14 मार्च 2024 को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के तत्वावधान से तरंग प्रतियोगिता हो रही है। ये जो प्रतियोगिता है वो मुख्यतः 3 चरणों में इसका आयोजन किया गया है। प्रथम चरण में कला से संबंधित कुछ गतिविधियां होंगी, जिसमें नृत्य होगा और चित्रकला से संबंधित गतिविधियां होंगी, नाटक होंगे, जो स्थानीय कलाकृतियां हैं उसका बच्चे प्रदर्शन करेंगे, और उसके अतिरिक्त खेल से संबंधित गतिविधियां होंगी जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है और अन्य जो खेल है उससे संबंधित आयोजन होंगे विद्यालय स्तर पर। विद्यालय स्तर से जो बच्चे चयनित होंगे, और ये जो प्रतियोगिता है वो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए आयोजित की गई है, और हमने ये दौर ही जो ब्लॉक है उसको ही चयन किया है। वैसे तो हमसे कहा गया था कि हमारे लैब के जो स्कूल्स हैं उनसे आप बच्चे लीजिए, क्योंकि ये संस्था कार्यरत नहीं है, तो गिद्धौर ज़िले के जो विद्यालय है उनसे हमने बच्चों का चयन किया है। विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता हुई है, द्वितीय स्तर पर जो है आज और कल यानी कि 13 और 14 को जिला स्तर पर ये प्रतियोगिता आयोजित होगी, और इस प्रतियोगिता के जो भी प्रतिभागी होंगे जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, जी कल फाइनल मैचेस होंगे, और फाइनल मैचेस के बाद जो भी चयन होगा 1, 2, 3 जो प्लेस पर बच्चे आएंगे उनका जो प्रतियोगिता राज्य स्तर की होगी वो पटना में आयोजित की जाएगी। तो यानी कि ये कहने का मतलब है कि कल जो बच्चे चयनित होंगे अलग अलग प्रतिभाग प्रतियोगिताओं में, कला में अलग, खेल में अलग, उनको पटना में हम नामित करेंगे। देखिए प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं कि केवल शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं जिसमें खेल कूद आता है उसमें भी हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको पहचाने। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक निखार पाना संभव नहीं है। शिक्षा विभाग जो है प्रतिबद्ध है इसी लक्ष्य को लेकर कि हम बच्चों का चहुमुखी विकास करें, केवल शैक्षणिक। जी योजना तो फंड तो फंड लगभग 4 लाख रुपए का लगभग फंड मिला हुआ है, और फंड महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे, एक मंच दे। बच्चे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? बच्चे लोगों के लिए देखिए, बच्चे लोगों के लिए जो भी खेल से संबंधित सामग्री है वो यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा बाकी जो पारितोषक कुछ दिया जाएगा, इनाम दिए जाएंगे, बाकी जो रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है वो दिया जाएगा। मेन यहाँ पर उद्देश्य है कि कैसे हम अपने बच्चों को पहचाने, जब पहचाने और उनको एक मंच दे जिसके माध्यम से ऐसे बच्चे जिनकी पहचान नहीं है उनको एक मंच मिले जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। और मुझे उम्मीद है कि राज्य स्तर पर जो बच्चे चयनित होंगे, हो सकता है सरकार की तरफ से आगे कुछ ऐसी योजना हो जिससे हम उनको और आगे खेल की ही क्षेत्र में बढ़ा सके, यही मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा नीति भी इसका ही पुरजोर वकालत करती है कि हमें बच्चों के सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान ना देकर दूसरे पक्ष पर भी ध्यान देना है, और शिक्षा विभाग बिहार सरकार निरंतर जो है इसी दिशा में कार्यरत है कि कैसे हम बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। मेरा नाम डॉक्टर नवेद हसन खान है, मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ।